हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और इस वीडियो में मैं TFR 2020 का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है फर्स्ट स्टेज का, जो बच्चे अब सेकंड स्टेज में जा रहे हैं जहाँ पर उनको रिटन टेस्ट पास करना होगा, TFR मुंबई का, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। और मुझे बहुत ही खुशी से बताना पड़ रहा है कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पास किए हैं। अभी मेरे नॉलेज में तो एक ही दो हैं, और ऑफलाइन के बच्चे, मतलब ऑनलाइन जो जिनको मेरे वीडियो से हेल्प मिला था, उनका तादाद भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो लगभग 6 से 7 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मेल किया, मैसेज किया पर्सनली कि उन्हें मेरे वीडियो से हेल्प मिला। एंड रेगुलर बैच से भी कुछ एक दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से एक, मतलब बहुत लोगों से तो हमारी बातचीत अभी तक नहीं हुई है, बट एक जिन्होंने खुद मैसेज किया था, उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं था कि वो ये सारे एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं, राइट। हमने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था अभी। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब इस टाइप के बच्चे, जिनको खुद पे बिलीव नहीं होता है कि ठीक है ये सारे एग्ज़ाम्स मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, और वो सारे बच्चे जाके इस टाइप का अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चालाक बनते हैं, बहुत अपने आप को मैथ्स में क्या समझ लेते हैं पता नहीं, तो खैर उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। और जो थोड़े बहुत प्रैक्टिकली बन के मेहनत करके चलते हैं ज़मीन पे रहते हुए, उनका हर जगह सिलेक्शन होता है। तो उनमें से एक बच्चे थे, और अभी तो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। अब शायद उन लोगों को पता चलेगा एंड देन आई विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिज़ल्ट कि और सारे बच्चों का कितना कितना का लोगों का हुआ है। बट अभी हमारे रिजल्ट्स में वीडियो की तरफ से जितने बच्चों को हेल्प मिला, जो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनमें से 5-6 बच्चों ने मैसेज किया है लगभग। अभी नाम बताना अच्छा बात नहीं है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सेकेंड स्टेज पे भी जाएंगे और ये जो भी है रेगुलर बैच के। एनीवे, कुछ ऐसे भी बच्चे थे मैसेज आया जिनका जिनका नहीं हो पाया, उन्होंने बहुत मेहनत करा था, लेकिन कहीं होता है कि उस टाइप का आप नहीं एग्ज़ाम में दे पाते। एग्ज़ाम में आपका मतलब मूड कैसा, बहुत कुछ रिफर कर जाता है एग्ज़ाम टाइम पे। तो ठीक है, मैं उन सारे बच्चों के लिए ही बोलूँगा कि यहीं पे स्टॉप मत करो, है ना, यहीं पर लाइफ ख़त्म नहीं होती है। उठो, अपनी कमियों को देखो, कहाँ पर दिक्कत हुई है, किस रीज़न की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसको लगो और उसको अच्छा करो, उस पर मेहनत करो और आगे बढ़ो, है ना। वो सोचने पे, उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट डालने से कुछ नहीं होता है, राइट है। रोने धोने से भी कुछ नहीं होता है। अगर रोने धोने से आप पास कर जाओगे तो मैं भी आपके लिए थोड़ा बहुत रो दूंगा, बट उससे कुछ होगा नहीं, राइट। सो बी प्रैक्टिकल, मूव ऑन, है ना। वो कमियों को रिपीट मत करो, गलतियों को रिपीट मत करो, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एज लॉन्ग एज जब आपके पास समय हो, आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अगर कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो उस चीज़ में मैं आपका भरपूर सपोर्ट करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक चीज़ों से आप उलझे हुए हो, कि वो सारी बेसिक चीज़ें अगर आपकी अच्छी हो जाती तो शायद ये एग्ज़ाम आपका अच्छा जाता। तो मैं स्टिल बोलता हूँ, अगर वैसा कुछ है तो आप सोच सकते हैं और आप आ सकते हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। एंड सेकेंड स्टेज में मैं चाहूँगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो और बहुत अच्छा रिसर्च आप लोग करें मैथमेटिक्स में, और इंडिया का नाम बहुत ऊँचा करें मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच, बाय।